हाँ तो वाइज ओम नमः शिवाय जय महाकालेश्वर तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको हॉस्टल का मैस लेना चाहिए या फिर आपको फूड कोर्ट्स के ऊपर खाना खाना चाहिए या फिर जो कैंटीन बनी हुई है मतलब एलपीयू के अंदर बहुत सी कैंटीन भी है ठीक है आपको वहां पे खाना चाहिए आपको क्या करना चाहिए क्योंकि जो फ्रेशर्स होंगे जो अभी इस समय एडमिशन ले रहे हैं ठीक है उन बंदों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ नहीं पता होता बंदों को कि यार कहा जाए क्या लें क्या नहीं लें क्योंकि मैथ्स का पैसा तो आपको पहले ही देना पड़ेगा ना हॉस्टल जाओगे उससे पहले ही आपको सारी चीजें पे करनी पड़ेगी अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन ही सब कुछ पेमेंट वगैरह देना पड़ेगा तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए जो भी कमेंट सेक्शन में बंदों ने डाउट वगैरह पूछे थे ठीक है कि हॉस्टल के फूड के बारे में बताओ या फिर हमको फूड कोर्ट्स पे खाना खाना चाहिए तो वो बताओ तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं आज ठीक है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है वो आप सुन लो और बाकी आपको जो मन करे आप वो लेना ठीक है तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हॉस्टल के मैस की ठीक है तो हॉस्टल के मैस के अंदर ना तीन तरीके की आपको मैथ का खाना मिलेगा तीन तरीके के अंदर डिवाइड है ठीक है सबसे पहले है कि बेसिक मैथ ठीक है दूसरा है स्टैंडर्ड मैस और तीसरा कौन सा अपना ये एला कार्टे एला कार्टे मेरा नाम भी बोलना नहीं आ रहा एला कार्टे नाम है इसका ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं अपन की बेसिक मैस के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है तो बेसिक मैस जो है उसके अंदर आपको चीजें जो है ना उसके अंदर लिमिटेड है ठीक है मतलब जैसे कि बेसिक मैथ्स के अंदर तीन या चार रोटी ही मिलेगी आपको ठीक है एक सब्जी मिल जाएगी एक दाल मिल जाएगी पिकल मिल जाएगा ठीक है बेसिक मैथ्स के अंदर आपको ना मिठाई मिलेगी ना आपको दही मिलेगा ठीक है और इसके अंदर जो स्नैक्स होता है ठीक है स्नैक्स होता है वो भी नहीं मिलेगा आपको ठीक है बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं तो इसके अंदर आपका तीन टाइम ही खाना मिलता है शायद तक बेसिक मैथ्स के अंदर ठीक है तो आपको बेसिक मैथ्स का बता दिया मैंने लिमिटेड है और स्टैंडर्ड मैथ्स में कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है ठीक है उसमें अनलिमिटेड चीजें मिलती है तो बेसिक मैथ्स बहुत सारे बंदे अवॉइड ही करते हैं लेते ही नहीं है बेसिक मैथ्स लेते ही नहीं है मेरे साथ के जो बंदे थे उन्होंने भी बेसिक नहीं लिया था बेसिक बेसिकली कोई भी नहीं लेता यार बेसिक मैथ्स ठीक सीधी बात बताऊं क्योंकि क्या होता है ना कि यार कई की बार किसी बंदे को भूख ज्यादा होती है तो तीन की जगह मान लो चार रोटी खाना जाए तो एक वो प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर वो मांगने जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता ना समझ रहे हो और मना कर दे कोई सामने से रोटी के लिए तो अंदर से ऐसे अजीब सा लगता है कि यार रोटी के लिए मना कर दे समझ रहे हो तो बेसिक मैस कोई नहीं लेता राइस भी मिलता है आपको इसके अंदर शायद तक ठीक है पता नहीं मिलता होगा राइस या नहीं मिलता उसका वो प्लान होता है उसके हिसाब से ही मिलता है आपको चार्ट होता है जो उसके हिसाब से ही चीजें मिलेगी आपको ठीक है स्टैंडर्ड मैथ की बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड मैथ के अंदर अनलिमिटेड है अनलिमिटेड रोटी मिलेगी आपको ठीक है सब्जी अनलिमिटेड मिलेगी दाल आपको अनलिमिटेड मिलेगी ठीक है रायता हो गया वो भी अनलिमिटेड है सब कुछ अनलिमिटेड है ठीक है सब कुछ तो अनलिमिटेड है बट एक चीज जो बंदे बार बार रिपीट करना चाहते हैं जिन उनको चाहिए रहती है भाई वो अनलिमिटेड नहीं है मिठाई अब बंदे सोचे होंगे मिठाई भी अनलिमिटेड मिलती होगी भाई मिठाई अनलिमिटेड नहीं मिलती वो एक ही बार मिलती है गुलाब जामुन एक पीस मिलेगा तो एक पीस मिल गया भाई मस्त रहो और नहीं मिलने वाला है बाकी सब चीजें अनलिमिटेड है पर उसका कोई मतलब नहीं है उसका कारण बताता हूं क्योंकि भाई बंदे लेते ही नहीं है यार बंदे दूसरी बार में रिफिल कराते ही नहीं है कोई चीज ठीक है बंदे यार एक टाइम का खाना खा ले वही बहुत बड़ी बात है मैं इसके अंदर आप बात कर रहे हो रिफिल कराने की भूल जाओ यार उसके बाद बात करते हैं कि शेड्यूल क्या मतलब किस किस तरीके से कितने बजे क्या खाना होता है यह भी बता देता हूं मैं आपको ठीक है तो साढ़े सात से लेकर साढ़े नौ बजे तक का जो टाइम होगा वो ब्रेकफास्ट का टाइम होगा आपका ठीक है अब ब्रेकफास्ट के अंदर ये क्या देते हैं अपने को परांठा दे देते हैं टी दे, दे देते हैं या तो टी के साथ परांठा मिल जाएगा फिर टी के साथ ब्रेड मिल जाएगी ठीक है तो ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट का टाइमिंग साढ़े सात से लेकर साढ़े नौ का उसके बाद साढ़े ग्यारह से लेकर तीन बजे तक का जो टाइम होता है वो लंच का टाइम होता है ठीक है तो लंच टाइम में आपको मिलेगी रोटी सब्जी राइस सैलेड दाल और रायता ठीक है और पिकल वगैरह वो भी मिल जाएगा तो ये भी अनलिमिटेड रहता है आप वापिस रिफिल भी करा सकते हो ठीक है उसके बाद पांच बजे से लेकर छह बजे तक स्नैक्स का टाइम है स्नैक्स जो कि स्टैंडर्ड में इसमें मिलेगा और बेसिक वाले में नहीं मिलेगा ठीक है तो स्नैक्स में आपको क्या मिलता है टी और इसके साथ में ब्रेड मिल जाएगी या जा फिर कभी कभी ब्रेड पकोड़ा मिल जाएगा या जा फिर कभी कभी आपको मट्ठी, मट्ठी मिल जाती है मटरी नहीं होती वो मिल जाएगी आपको ठीक है उसके बाद बात कर लेते साढ़े सात से लेकर साढ़े नौ की तो साढ़े सात से साढ़े नौ डिनर होता है अपना और डिनर के अंदर आपको मिलता है सेम टू सेम जो लंच में आपको खाना मिलता है वैसा का वैसा ही खाना मिलेगा सब्जी वगैरह चेंज हो जाएगी जो सुबह बनी थी हो सकता है वो चेंज हो जाए हो सकता है रिपीट कर दें ठीक है वो बासी नहीं देते भाई बनने का तो नया ही बट हो सकता है सेम ही सब्जी बन जाए ठीक है मिठाई मिलती है खाली संडे को ठीक है रोज मिठाई नहीं मिलती संडे को मिठाई मिलती है और खाली एक ही पीस मिलेगा समझ रहे हो रिफिल मिठाई को नहीं करा सकते उसके बाद बात कर लेते हैं अपन अब एला कार्टे ठीक है जिसका नाम लेना भी नहीं आ रहा था एला कार्टे अब यार एला कार्टे की बात रही ना जहां तक की तो मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ में पार्टनर थे हॉस्टल रूम में दो बंदे एक तो अपना भाटी और एक अनमोल तो इन दोनों बंदों ने ना मतलब एला कार्टे अगर पूरे हॉस्टल में किसी बंदे ने लिया हो तो हमको नहीं पता भाई ठीक है एला कार्टे पता नहीं चलता भी है या नहीं चलता एला कार्टे है कि चॉइस ऑफ डिस डिशेज है ठीक है मतलब जैसा आप बोलोगे वैसा आपको खाने को मिलेगा ठीक है ऐसा ही ये लोग बोलते हैं बट मेरे को इसके बारे में भाई जानकारी है नहीं ठीक है एलपीयू वालों से भी जब मैंने एडमिशन ले रहा था तो उनसे पूछा उन्होंने यही बताया था कि चॉइस ऑफ डिशेस होती है आप जो उनको बोलोगे वो आपको खाने के लिए मिल जाएगा या जा फिर जो बनाओगे उसके अंदर से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको खाना है वो खा लो ऐसा ही कुछ सीन है भाई बट इसको कोई बच्चा लेता ही नहीं है ठीक है हर एक बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेता है एला कार्टे तक तो कोई जाता ही नहीं भाई पता नहीं अगर किसी ने ले भी लिया तो भाई मेरे को नॉलेज नहीं है एला कार्टे के बारे में ये आप लोग एलपीयू वालों से ही पूछना क्या सीन है बट हमने हॉस्टल में इतने बंदों से मिले हमको नहीं पता किसी बंदे ने ये लिया हो तो ठीक है अब बात कर लेता हूं कि आपको बेसिक मैस लेना चाहिए स्टैंडर्ड लेना चाहिए या फिर एला कार्टे लेना चाहिए ठीक है एला कार्टे तो भूल जाओ इसका तो नाम हमने ना सुना हम इतने टाइम से रह रहे हैं एलपीयू के अंदर ठीक है अब बात कर लेते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड की ठीक है अब भाई सीधी रियलिटी बता देता हूं एक ठीक है आप लोगों से छुपाने वाली कोई बात नहीं है जो चीज है स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं अपन ठीक है अब बात रही भाई मैस के फूड की तो मैथ के फूड के अंदर स्टैंडर्ड ही लेते हैं बंदे जो बंदे ले रहे हैं ठीक है बेसिक बंदे बेसिक भी लेते हैं कई बंदे ठीक है मतलब जैसे कि यार मैथ के अंदर क्या है कि खाने की जो क्वालिटी है ना लो क्वालिटी का खाना है आप अगर सोच रहे हो आपको हाई क्वालिटी का खाना मिलेगा न्यूट्रिशंस होंगे प्रोटीन होगा ठीक है कोई जिम जाता है बंदा तो वो सोचा कि यार मैं अगर uh, मैस के खाना खाऊंगा तो मेरे लिए सफिशियंट है ठीक है भाई उस खाने का क्वालिटी बहुत लो है ठीक है टेस्ट लेस खाना है भाई एकदम टेस्ट लेस खाना मतलब ये देख लो कि उसको देखोगे ना खाने का मन नहीं करेगा मैस का खाना खाओगे तबीयत खराब नहीं होगी फूड पॉइजनिंग नहीं होगी बाकी कुछ रहेगा नहीं ठीक है इतनी गारंटी है कि फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ नहीं होगी ठीक है बट खाने का टेस्ट वगैरह बिल्कुल खत्म है भाई ठीक है और जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूं भाई मेरे जो बंदे थे एलपीयू वाले जो दोस्त थे जो पास आउट हुए थे तीन चार दोस्त थे मेरे ठीक है तो उन बंदों ने पहले ही बोल दिया था कि लखविंदर एलपीयू के अंदर मैस लेना मत साफ बोल दिया था उन्होंने ठीक है क्योंकि भाई मैस का खाना मत खाना, खाया ही नहीं जाएगा तेर से यार मतलब तू खाना देखेगा और तू मना कर देगा और उसके बाद जब होस्टल में आया तो मेरा दोस्त दोनों ने मैस ले रखा था सोचो दोनों ने मैस ले रखा था और दोनों भाई मैस का खाना खाना ही पसंद नहीं करते थे यार एक दिन अच्छा मिलेगा एक क्या एक हफ्ता अच्छा मिलेगा खाना आपको उसके बाद जो मिट्टी पलीत करेंगे भाई आपको आपको ना चाहते हुए भी आप लोग खा लोगे पता नहीं कैसे मतलब आदत हो जाएगी धीरे धीरे करके उसको खाने की बट बेमन से कोई खाना खाना तो क्या खाना यार खुशी से खाओ यार खाने का तो आनंद जब ही आता है ना कि देखते ही मन करे किसी चीज को खाने का समझ रहे हो नेगेटिविटी आ जाती है बंदा नहीं खा पाता अब मैं आपको बताता हूं इनकी प्राइस भी बतायाता हूं ठीक है जो चीज प्राइस एक बार ना आप लोग वापस से कंफर्म कर लेना बाकी मैं मेरे अकॉर्डिंग जो बता रहा हूं वो भी सही है बट एक बार आप फिर भी कंफर्म कर लेना ठीक है तो हॉस्टल का जो बेसिक है बेसिक मैस है इसका प्राइस है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी थाउजेंड प्राइज होगा ओरिजिनल प्राइस बट आपको अर्ली डिसीजन बेनिफिट जो देंगे उससे पांच हजार रुपए का आपको ऑफ uh, मिल जाएगा पांच हजार रुपए आपके कम हो जाएंगे और पच्चीस हजार रुपए का बेसिक मैथ पड़ेगा स्टैंडर्ड मैथ की प्राइस पैंतीस हजार रुपए सबके पांच हजार रुपए कम करके बता रहा हूं ठीक है बेसिक है पच्चीस हजार स्टैंडर्ड है पैंतीस हजार का और एला कार्टे है फोर्टी फाइव थाउजेंड का ठीक है तो ये चीज आपको बता दी सारी की सारी मैथ की एक चीज और भाई की हर होस्टल मतलब जैसे आठ या नो हॉस्टल है एलपीयू के अंदर तो हर हॉस्टल के नीचे मैथ होगा ठीक है हर हॉस्टल के नीचे मेस होता है और आपका जो हॉस्टल होगा आपको उसी के मेस में ही खाना खाने जाना पड़ता है आप ऐसा नहीं है कि दूसरे हॉस्टल में चले जाओगे दूसरे हॉस्टल में ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है आपके हॉस्टल में और आपको आपके हॉस्टल के अंदर नीचे जो मैस बना होता है उसी के अंदर ही खाना खाना पड़ता है और वहां पर ही आपको खाना मिलेगा ठीक है उसके बाद बाहर कैंटीन भी है हाँ भाई बाहर कैंटीन भी होती है बहुत सारी कैंटीन है बाहर बाहर फूड कोर्ट्स भी है आप वहां पे भी खा सकते हो तो मेरा मानना यह है कि भाई खाना बढ़िया ही खाओ भली पैसे ज्यादा लग जाए ठीक है क्योंकि आपको भी पता है कि यार इंसान जी क्यों रहा है पैसे क्यों, क्यों कमा रहा है अच्छा खाने खाने के लिए ना अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए तो भली चार पैसे ज्यादा लग जाए चार पैसे क्या मतलब वो डायलॉग है चार पैसे ज्यादा लग जाए पर खाना बढ़िया खाना ठीक है मेरा मानना यही है क्योंकि अगर ऐसा खाना खाओगे जिसको खाने का मन नहीं करेगा फिर उल्टियां करोगे तबियत खराब होगी क्योंकि खाना खाने का मन नहीं करेगा तो एक तरीके से नेगेटिविटी आ जाती है ना बंदे में यार तो अगर उसकी तबीयत और भी किसी दिक्कत से खराब होती है ना तो भी बंदा सोचता है यार खाना बेकार खाया था या खाना अच्छा नहीं लगा ना इसकी वजह से तबीयत खराब होगी तबीयत खराब होगी और पैसे लगेंगे इससे बढ़िया पहले ही अच्छी चीज खाओ ठीक है भाई मैस का खाना बहुत सारे बंदे लेते हैं उसका कारण बताता हूं क्या क्योंकि भाई बहुत सस्ता है ठीक है यार अब यार आपको कोई आप खुद सोचो कि इतना सस्ता खाना दे रहा है ठीक है तो यार आपको खाना सस्ता दे रहा है तो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कम ही होगी ना ठीक है आप पैसे भी ज्यादा नहीं दोगे और आप सोचोगे आपको खाने की क्वालिटी भी जबरदस्त मिल जाए यार वो पॉसिबल नहीं है समझ रहे हो मतलब अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आपको पैसा भी अच्छा देना पड़ेगा अगर क्वालिटी अब देखो चीपेस्ट रेट है मतलब इसका जो चीप बहुत ज्यादा चीप है इसका प्राइस ठीक है आपने खुद नहीं देखा एज कंपेयर टू फूड कोर्ट कैंटीन मैस का खाना बहुत ज्यादा सस्ता है भाई पैंतीस हजार रूपए का जो आप स्टैंडर्ड वाला जो मैस लोग है ठीक है स्टैंडर्ड वाला लोग है तो उसके अंदर अगर तीन सौ दिन आप खाना खाते हो ठीक है तो आपका एक दिन का एक सौ सोलह रूपये का खर्चा आएगा ठीक है मैं तो आपको अंदाजे से बता रहा हूं जितने दिन हो उसको आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना ठीक है तो तीन दिन के अकॉर्डिंग एक रुपए का खर्चा आएगा अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लेते हो तो अगर आप भाई बाहर खाना खाओगे फूड कोर्ट या कैंटीन पे तो भाई उसका हिसाब जाता है ज्यादा एक दिन का मिनिमम बता रहा हूं मिनिमम क्योंकि मैं ही खाता था मिनिमम दो सौ रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे आप लोगों के वो तो किसी हालत में नहीं कम हो सकते मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे तो भाई दो सौ लगते ही लगते थे एक दिन के और हाइएस्ट थ्री तक जाता है ठीक है कई कई बार उससे भी ऊपर चला जाता है भाई तो सबसे पहली बात की खाना बहुत ज्यादा चीप है ठीक है बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस है ज्यादा प्राइस नहीं है अफोर्डेबल रेट है तो उसके अकॉर्डिंग जो खाने की क्वालिटी है वो एकदम सही है मतलब पैसों के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे खाने की तो बहुत ज्यादा सही है सौ रुपए में आपको चार टाइम का खाना मिल रहा है स्टैंडर्ड मैस में भाई और क्या चाहिए आपको ठीक है बहुत सही रेट है और उसके अकॉर्डिंग अगर बात करोगे खाने की तो सही है ठीक है इतने रेट के हिसाब से बात करोगे ना तो सही है अब बात कर लेते हैं कि जो नॉनवेज खाने वाले बंदे हैं क्या नॉनवेज है एलपीयू के अंदर तो भाई एलपीयू की मैस के अंदर नॉनवेज अलाउ ही नहीं है पूरे एलपीयू कैंपस में कहीं पे भी नॉनवेज नहीं मिलेगा आपको नॉनवेज का एक अलग ही पीछे कोने कोने में जाके एक फूड कोर्ट है उधर आपको नॉनवेज मिलता है ठीक है उसके अलावा कहीं नॉनवेज नहीं मिलेगा ठीक है और वो भी बाहर है एलपीयू के मतलब एलपीयू से बाहर ही है बट एलपीयू के अंदर से ही है उसका रास्ता और एलपीयू वाले ही अलाउ करते हैं उसमें जाना आईडी कार्ड लगाओ चले जाओ मैं भी उसके अंदर जाके आया था इसलिए बताया मेरे को उसके बाद अब जो अपना मैथ है इसके अंदर आपको नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाएगा साउथ इंडियन फूड मिल जाएगा ठीक है अधिकतर सेम फूड रिपीट होता है डेली ठीक है मतलब टाइम टेबल तो इन्होंने बना रखा है फूड का चार्ट है बट हर दिन ना अधिकतर आपको लगेगा कि सेम खाना सेम खाना सेम खाना रिपीट पे ही खाए जा रहे हो आप तो आपका मन और ज्यादा डाउन हो जाता है कि यार अब नहीं बस कर रहा ठीक है ये बात तो कुछ नहीं भाई मेरे जो साथ के दो दोस्त और थे ना मैं जब भी बाहर खाना खाने जाता उनसे जरूर पूछता था कि भाई चले तो भाई तो तैयार हो जाते चलो भाई मैं बता रहा हूं मैस लेने के बावजूद बंदे वो मेरे साथ खाना खाने जाते थे ठीक है फूड कोर्ट से क्योंकि एक बार अगर बाहर की आदत पड़ गई तो भाई मैस का खाना आप खाओगे नहीं उनके विचारों के ना मैस का पैसा बर्बाद गया है भाई एक हफ्ते में भाटिया तो एक ही दिन जाता था बेचारा वो तो बोलता था यार मैस का भी पैसा दे दिया फूड कोर्ट में तो खाई रहा हूं अगली बार से मैस लूंगा ही नहीं ठीक है तो ये सीन था दोस्तों का ठीक है दोनों दोस्त बेचारे मन मार के ही खाना खाते थे भाई वो भाई एक और जबरदस्त बात बता दू मैं आपको कि ये तो सब सही है टाइम क्लैश करेगा भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि टाइम क्लैश करेगा हर बंदा हॉस्टल में जिसने भी मैथ लिया हुआ हर एक बंदे का टाइम क्लैश करता है सुबह का अधिकतर लोगों का ब्रेकफास्ट तो भाई छूटता है जैसे कि मेरे साथ में अनमोल तो चला जाता खाना खाने के लिए बट जो भाटिया है भाई वो खाना खाने जाता ही नहीं था क्योंकि उठते ही लेट है भाई इतने में वो टाइम ही चला जाता फिर कपड़े वपड़े पहनो और क्लासें चालू हो जाती साढ़े नौ दस बजे तो निकलना रहता उसके बाद क्लासों में चले जाओ इतने में तो मैथ का टाइम ओवर तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट सब बच्चों का ही छूटता था ठीक है मतलब हमारे जो रूममेट थे उनका तो छूटता ही था बाकी मेरे जो क्लासमेट थे उनका भी बहुतों का छूटता था भाई ब्रेकफास्ट तो वो चीज का ध्यान रखना कि टाइम क्लैश बहुत ज्यादा करेगा और एक चीज और है कि अभी मान लो कि सुबह दस बजे से मेरी क्लास चालू होगी और शाम को पांच बजे तक क्लास है और हाँ एक बजे से दो बजे तक पता नहीं बारह से एक ब्रेक होता है एक घंटे के लिए ब्रेक होता है ना जो उसके अंदर आप आपकी बिल्डिंग से अगर आप एग्रीकल्चर के हो सीएससी के हो एमबीए के हो तो आपकी बिल्डिंग से आपको मैथ आना पड़ेगा आपके हॉस्टल आना पड़ेगा सिर्फ खाना खाने के लिए तो भाई बहुत सारे बंदे जैसे मेरी क्लास के जो मेरे क्लासमेट थे जिन्होंने मैथ का खाना लिया हुआ था बेचारे आते ही नहीं थे भाई वो वो हमारी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर ही कैंटीन में खाना खा लेते थे पैसे दे समझ रहे हो तो एक सबसे बड़ा दिक्कत ये भी है कि आप आओगे नहीं और आपका एक ब्रेकफास्ट छूटेगा और एक आपका ये जो लंच होता है ठीक है ये भी छूटेगा ठीक है बहुत बच्चों का छूटता है कई कई बेचारे आ जाते हैं कई कई नहीं आ पाते बहुत नहीं आ पाते कहीं कहीं नहीं बहुत नहीं आ पाते उनका छूटता है भाई लंच ठीक है तो वो हमारे साथ ही खाते थे तो सबसे बड़ा दिक्कत यह कि टाइम का क्लैश होगा क्योंकि आपको खाना खाने के लिए मैस ही आना पड़ेगा आप और कहीं खाना खाओगे तो पैसे लगेंगे और मैस का पैसा दिया हुआ वेस्ट जाएगा मैस का खाना जो है उसका आपको टाइम अभी शुरू शुरू में बताया था टाइम दिया हुआ है कि नौ से साढ़े नौ नहीं सॉरी साढ़े नौ से साढ़े दस साढ़े ग्यारह इतने तो उस टाइम पीरियड के बीच में ही खाना मिलेगा उसके आगे पीछे खाना नहीं मिलने वाला है भाई तो यह चीज का ध्यान रखना उस टाइम पे आप फ्री भी होने चाहिए समझ रहे हो? होस्टल में जो मैस है उसका आपको सारा सीन समझा दिया अब बात करते हैं फूड कोर्ट का क्या सीन है ठीक है तो भाई फूड कोर्ट का बहुत जबरदस्त टेस्ट है अमेजिंग टेस्ट बोलूंगा मैं तो भाई क्योंकि भाई मेरे को तो फूड कोर्ट का खाना बहुत जबरदस्त लगता था खाना खाओगे मजा आ जाएगा खाना खाके और आपको जो बाहर बेकरी भी मिल जाती है ठीक है अलग अलग फूड कोर्ट होते हैं फूड कोर्ट का मतलब समझा देता हूं मैं कि अलग अलग शॉप्स होती हैं दुकानें नहीं होती जैसे बेकरी की दुकान होती है अपनी कॉलोनी के अंदर वैसे ही एलपीयू के अंदर एक साथ एक ही जगह पे बहुत सारी दुकानें होती हैं बीस पच्चीस दुकानें होंगी उनको फूड कोर्ट बोला जाता है और उसके अंदर कई की खाने की भी दुकानें होती है स्टेशनरी की भी होती है अलग अलग दुकानें होती है जूस की भी होती है तो जो खाने की दुकानें होती है वहां पर आप खाना खा सकते हो ठीक है तो वहां पे बहुत सारी बेकरी भी होती है जहां पे आप बेकरी से अगर कोई सामान खरीद के खाना चाहो तो आप वो भी खा सकते हो जो आप बाहर फूड कोर्ट पे खाना खाओगे उसकी कॉस्ट भाई ज्यादा है ठीक है उसकी कॉस्ट रहेगी ज्यादा प्रॉब्लम क्या क्या होगी फूड कोर्ट के अंदर कि एक तो बैठने का प्रॉब्लम रहता है ठीक है मतलब बहुत सारे फूड कोर्ट ऐसे होते हैं जहां पे ना टेबल चेयर तो लगी हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं है कि हर एक बंदा ही बैठ बैठ जाए ठीक है कई की बार खड़ा रह के भी खाना खाना पड़ता है और धूप में खाना खाना पड़ता है क्योंकि ऐसे शेल्टर सा नहीं मिलेगा आपको ऊपर शेड बना हुआ नहीं मिलेगा उधर जैसे आपको मैस के अंदर तो सुविधा मिल जाएगी टेबल चेयर और अंदर की तरफ है तो गर्मी नहीं पड़ती वहां पे बट फूड कोर्ट में ऐसा नहीं है उधर गर्मी पड़ती है तो आपको गर्मी भी झेलनी पड़ेगी अगर अच्छा खाना खाना है तो ठीक है बट बंदे झेल लेते हैं भाई ठीक है मैं तो झेल लेता था, था लोग गए थे उस टाइम पे हर एक ब्रांच के बच्चे आए नहीं थे ठीक है तो क्राउड इतना ज्यादा नहीं था बट धीरे धीरे जब बच्चे आने लगे क्राउड बढ़ता गया तो भाई क्राउड भी मिलेगा आपको और आपका नंबर जो है कई की बार आधा घंटा भी लग जाएगा कई की बार हो सकता है चालीस मिनट भी लग जाए उसके बाद आपका खाना आए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा खाने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना मैथ्स में इंतजार करना जैसा कुछ नहीं रहता उधर लगती है भाई लाइन मूवियों में देखा होगा जेल में जैसे लाइन नहीं लगती सब अपनी अपनी कटोरी ले, ले लेते हैं प्लेट ले, ले लेते हैं लाइन में चलो उधर लगती है लाइन लंगर लगता है और लेते जाओ समझ रहे हो मैस का ऐसा सीन है और फूड कोर्ट के अंदर आप पर्ची कटाओगे उसके बाद आप पर्ची दोगे उसके बाद आपकी थाली आपको मिल जाएगी और आप खा लो बट उसका टाइम लगेगा बहुत सारे फूड कोर्ट हमारे टाइम पे ना बंद थे ठीक है इसलिए हम सारे फूड कोर्ट का खाना खा ही नहीं पाए ठीक है हम लोगों ने कई कई फूड कोर्ट का ही खाना खाया था तो मेरे को जो बेस्ट फूड कोर्ट लगा बेस्ट मतलब एक नंबर की क्वालिटी का जिसका खाना है मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा दस वीडियो मिलेंगी दस का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो मेरे को सबसे बेस्ट खाना लगा किचन अट्टे का किचन अट्टे का मुझे सबसे बेस्ट खाना लगा और स्पेशल थाली का प्राइस है उसकी एक रुपए की स्पेशल थाली है उसकी और नॉर्मल वाली का भाई मेरे को प्राइस नहीं पता शायद तक नब्बे रुपए है उसका प्राइस क्योंकि भाई अपन स्पेशल थाली खाते थे तो उसका ही मेरे को प्राइस पता है कि भाई उसका प्राइस ये था ठीक है और रही बात उसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको तो उसके अंदर आपको एक पनीर की सब्जी मिल जाएगी पनीर की आपको ग्रेवी वाली सब्जी मिलेगी जिसको शाही पनीर बोलते हैं एक आपको या तो शाही पनीर ले लो या फिर आप पनीर भुर्जी ले लो ठीक है और आपको मिल जाएगी दाल मिल जाएगी राजमा मिल जाएगी इनमें से कुछ भी ले सकते हो आप ठीक है दो सब्जी मिलेगी रायता मिलेगा तीन रोटियां मिलेगी और साथ में मिलेंगे राइस और साथ में मिलेगा सैलेड ठीक है मिठाई विठाई कुछ नहीं मिलती भाई स्पेशल थाली में किचन अट्टे के अंदर किसी में भी नहीं मिलती भाई वो स्पेशल थाली के अंदर मिठाई ठीक है पहली बात तो भाई आप स्पेशल थाली लोगे इतने में आपका पेट फुल हो जाएगा मेरा तो हो जाता था हमको तो जरूरत पड़ती नहीं थी क्योंकि उनको पता रहता है कि एक बंदा इतना ही खा पाएगा उस हिसाब से वो क्वांटिटी सही देते हैं ठीक है और नॉर्मल थाली जो है उसके अंदर क्वांटिटी उसके अंदर शायद तक भाई आपको ना पनीर की सब्जी नहीं मिलती और बाकी सब यही मिलता होगा और जो राइस मिलते हैं वो भी सिंपल वाले राइस मिलते हैं ठीक है थीके? और मेरे को उधर के पराठे पसंद थे आलू का पराठा भी उधर का अच्छा है शायद तक वो चालीस रुपए का है उधर दो पराठे मिलेंगे आपको नहीं यार दो पता नहीं एक यार मैं दिमाग से भूल गया ठीक है पराठे भी अच्छे हैं उधर के ठीक है तो किचन का खाना मेरे को सही जमता था भाई तो मैं उधर का ही खाना खाता था ठीक है ओवन एक्सप्रेस नाम का एक फूड कोर्ट है उसके अंदर स्पेशल थाली थी सौ रुपए की ठीक है और उसकी नॉर्मल थाली आती थी शायद तक अस्सी रुपए की नॉर्मल थाली थी ठीक है तो उसकी स्पेशल थाली हम लोगों ने एक ही बार खाई थी बाकी उसकी हमने नॉर्मली थाली खाई क्योंकि उधर जाना ज्यादा जाता नहीं था मैं क्योंकि वो हॉस्टल से बहुत दूर था उधर मैं जब जाता था जब मेरा जो एमएसबी की बिल्डिंग है उधर खाना नहीं खाऊं मैं तो मैं उधर चला जाता था तो उसका खाना भी अच्छा है ओवन एक्सप्रेस का ठीक है उसमें भी अच्छा मिलेगा मतलब उसका खाना ज्यादा भी मिलेगा आपको ठीक है किचन अट्टे से बात करूं तो वो खाना ज्यादा भी देता है बट क्वालिटी समझ रहे हो किचन अट्टे वाले की क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है समझ रहे हो तो क्वालिटी का पैसा लेता है वो बंदा ठीक है और एक चीज और हो जाती है भाई उसका भी बहुत ध्यान रखना कई कई बार आप ना देखोगे कि आपको खाने के अंदर कई कई बार खाना कम दे दिया जाएगा मतलब फूड कोर्ट वाले क्या होता है कई कई बार क्वांटिटी जल्दी जल्दी डालते तो कई बार क्वांटिटी कम हो जाती है तो उसको ना ऐसे मन में सोच के मत बैठे रहना कि भाई कम दे दिया मेरे को खाना मैं बोलूं या नहीं बोलूं तुरंत जाना है फूड कोर्ट पे बोलना है पाजी खाना कम दे दिया ये वाली इसकी क्वांटिटी कम थी या फिर इस पनीर की सब्जी में पनीर था ही नहीं हो रहा तो आपको बोलना है आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा भाई आप बोलोगे नहीं उनको पता नहीं चलेगा आप बैठोगे मन में सोचोगे अरे यार मेरे को खाना कम मिला है भाई मेरे को अगर पनीर के अंदर पनीर नहीं मिला था मैं उनको बोल देता था ठीक है तो वो पनीर और डाल देते थे मेरे को ठीक है क्योंकि हो जाता है वो बोलते है कि कोई भी दिक्कत है हमको बोल दो ठीक है यार आप कोई चीज ले रहे हो उसका फीडबैक आप जब तक सामने वाले को नहीं दोगे कैसे पता चलेगा तो इसलिए ऐसे मत सोचना कि दुनिया क्या सोचेगी दुनिया कुछ भी सोचे अपने को अपनी चीज अगर नहीं सही लग रही है तो अपने को बोलना है रही बात सुबह के खाने की तो भाई मेरा सुबह का खाना जो होता था वो अधिकतर एमएसबी की जो बिल्डिंग है मतलब मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस एमबीए वाले बच्चों का जो बिल्डिंग है ठीक है वहां के ऊपर ही ऊपर टॉप फ्लोर पे सेवेंथ फ्लोर है शायद तक वहां की जो कैंटीन है ठीक है हम लोग उधर ही खाना खाते थे मैं उधर ही ज्यादातर खाना खाता था या फिर ओवर एक्सप्रेस में खा लेता था या फिर कभी किचन अटेच चला जाता है इन तीन के अलावा हाँ एक और बिल्डिंग है सत्ताईस नंबर ब्लॉक है उसके ऊपर ही ऊपर टॉप पे दो कैंटीन है एक है राइट में और एक है लेफ्ट में तो एक लेफ्ट वाली जो कैंटीन है ना मतलब आपको कैसे समझो एमएसबी की बिल्डिंग सामने और आपका नहीं आप अगर इस तरीके से खड़े हो गए और आपके सामने एमएसबी की बिल्डिंग है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो कैंटीन है ठीक है उस उस कैंटीन में जाना उसका खाना बहुत बढ़िया है राइट वाली का भी बढ़िया है, बट लेफ्ट वाली का और भी ज्यादा बढ़िया है समझ गए नाम नहीं बताया कैंटीन का नहीं तो इजी हो जाता है, मेरे को बताना आपको ठीक है प्राइस सेम है कैंटीन जो ऊपर मिलेगी ना आपको हर एक ब्लॉक के ऊपर बिल्डिंग मिलेगी उसका अस्सी रुपए की स्पेशल थाली मिलेगी आपको हर एक बिल्डिंग पे ठीक है तो अस्सी रुपए की जो स्पेशल थाली है एमएसबी की बिल्डिंग में उसके अंदर दिक्कत एक ही है कि जो रोटियां होती है ना वो व्हाइट व्हाइट सी होती है पुलोथन लगाया हुआ रहता है और आपको उसके साथ में दो सब्जियां मिल जाएगी रायता मिल जाएगा वही नॉर्मल राइस ही मिलता है इधर ठीक है एमएसबी की बिल्डिंग की बात कर रहा हूं और जो नॉर्मल थाली है वो शायद तक साठ रूपये के आसपास की है ठीक है तो ये सब मिलेगा पनीर की सब्जी मिलेगी जो स्पेशल होगी उसमें पनीर की सब्जी मिलेगी ठीक है तो ये सब सैलेड वगैरह मिल जाएगा ठीक है तो ये चीज होती थी सत्ताईस ब्लॉक के ऊपर जो बिल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड में जो कैंटीन है उसका खाना अच्छा और एक ओवन एक्सप्रेस है उधर चल जाना उसका भी खाना अच्छा और उस ओवन एक्सप्रेस की एक दो चीजें और अच्छी एक तो राइस बाउल अच्छा है उधर का ठीक है और एक चाइनीज प्लेटर करके कुछ है वो भी अच्छा है उधर का ठीक तो गाइज अब देखो कि मैं आपको मेरा बता देता हूं कि आपका बाहर अगर आप फूड कोर्ट के ऊपर खाना खाते हो तो आपका कितने तक का खर्चा आता है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं हो सकता है आपका कम में भी काम चल जाए हो सकता है आपका मेरे से भी ज्यादा लग जाए ठीक है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं मेरा एक महीने का दस हजार रुपए राउंड फिगर बता रहा हूं और मतलब नौ हजार रुपये तक तो चला ही जाता था भाई मेरा एक महीने का खाने का खर्चा बता रहा हूं खाने का स्टेशनरी का तीन चार चीजें मिला के दस हजार रुपए तक चला ही जाता था ठीक है दस हजार रुपए का एक महीने का मेरा खर्चा होता ही होता था ठीक है बाहर खाना वाना सबका मिला के बता रहा हूं जिसके अंदर से मैं आपको समझा भी देता हूं किस तरीके से होता था जैसे आ, सुबह खाना खाया अस्सी रुपए की स्पेशल थाली आती थी ठीक है शाम को जब मैं अपने रूम की तरफ जाता था तो दही ले जाता था और साथ में राइस बाउल ले जाता था क्योंकि भूख लग जाती थी भाई मेरे को ठीक है तो तीस रुपए का दही आता था साठ रुपए का अपना राइस बाउल आता था राइस बाउल मैं लेता था बंगाल बावर से ठीक है जो कि बी के पास में ही कैंटीन है उसके अंदर मिलता है ठीक है राइस बाउल पाका सही लगता था मेरे को तो मैं वो ले लेता तो नब्बे रुपए इसके लग जाते थे और रात को जाते थे हम लोग किचन अड्डे तो रात को किचन अड्टे का पक्का था तो उधर जाते थे एक सौ दस उधर लगते थे तो टोटल दो सौ अस्सी रुपए तो भाई लगते ही लगते थे ठीक है और दो सौ अस्सी रुपए से भी ज्यादा लग जाते थे क्योंकि कई बार दूध लेके आना पड़ता था कई बार कुछ लेके आना पड़ता था तो उसके कारण वो उससे भी ऊपर चला जाता तो मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको कभी 250 भी लग जाता था कभी कभी 240 ही लग गया कई की बार खाना खाने का मन नहीं हुआ तो 230 में काम हो गया ठीक है तो ऑन एन एवरेज निकाला जब मैंने तो मेरा एक महीने का खर्चा दस हजार के अंदर अंदर ही आता था 9000 से दस हजार के बीच के अंदर आ जाता था ठीक है तो अगर आपका इस तरीके का आप खाओगे दो के आसपास खाओगे अगर एक दिन का आप दो रुपए के आसपास का आपका खर्चा आएगा ही आएगा तो दो रुपए के हिसाब से साढ़े सात हजार रुपए एक महीने के आपके लगने ही लगने साढ़े सात हजार रूपये से कम मेरे को नहीं लगता किसी बंदे का जाएगा साढ़े सात हजार रूपये मान के चलो आप एक महीने का और हाईएस्ट दस हजार रूपये भाई मान के चलना फ्रूट्स की हाँ तो आपको एक और चीज बता दो जैसे कई की बंदे होते हैं जिनको फ्रूट्स वगैरह भी खाने रहते हैं जैसे मैं जब जाता था हॉस्टल मेरे को भाई रात को लग जाती थी भूख यार सीधी बताऊं बात क्योंकि एक या दो तीन बजे तक हम लोग जागते थे और भाई रात को हमेशा भूख लगती थी मेरे को ठीक है तो हम लोग तो भाई उस टाइम जब खाना खाने के लिए जाते थे तो रात को फ्रूट्स वगैरह लेके आ जाते थे फ्रूट्स कहां पर मिलेंगे आपको फ्रूट्स आपको मिलेंगे जो भी जूस की शॉप होगी उधर आपको फ्रूट्स सारे मिल जाएंगे तो हम लोग तो ज्यादातर बनाना ही लेते थे कई कई बार एप्पल भी ले लेते थे ठीक है तो बट फ्रूट्स आपको उधर ही मिलेंगे तो आप उधर से फ्रूट्स ले सकते हो और बाकी जो मैं यूज लेता था चीज वो बताता हूँ ब्राउन ब्रेड यूज लेता था मिल्क हो गया बिस्किट्स हो गई मैगी होगी नमकीन होगी ठीक है चॉकलेट स्प्रेडर और पीनट बटर तो ये सब चीजा अगर आपके पास होगी और आपको भूख लग जाएगी रात को तो भी आपका काम बढ़िया चल जाएगा ठीक है बट एक बात का ध्यान रखना दूध हो गया ठीक है वो खराब हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर लेना क्योंकि लाते लाते ही पी लेना जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग करना ठीक है एक और बता दू भाई बात आप अभी जो जो बंदे घर पे हो अभी आपको हो सकता है कि भूख नहीं लग रही होगी ठीक है बट भाई एलपीयू जाओगे ना भाई आपको पता नहीं क्या हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी क्योंकि यार बंदा चलता है करता है काम करता है ना तो उसको भूख बहुत लगती है तो यह मत सोचना कि भूख लगेगी नहीं भूख लगेगी साथ की साथ एक और आपको एडवाइस दे देता हूं कि जो बंदे जूस पीने के शौकीन है उनको बोल रहा हूं कि भाई जूस की आप बहुत सारी शॉप ऐसी मिलेगी जहां पे जूस के अंदर आपको पानी ऐसे लगेगा कि यार जूस तो कम है ये उस फ्रूट का और इसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा लग रही है ऐसा बहुत जगह हो सकता है क्योंकि हमने ये चीज एनालाइज करी है इसलिए आपको मैं ये चीज बता रहा हूं ठीक है तो जूस वाले क्या करते हैं भाई पानी टिका देते हैं ठीक है तो आप लोग उन लोगों को बोल देना ठीक है कि भैया इस जूस के अंदर इतना पानी है ठीक है तो वो क्या करेगा आपको या तो वापिस जूस दे देगा या फिर हो सकता है आप उसको बोलोगे तो अगली बार आपको सही दे अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल ही बताता हूं दोस्त ने जूस लिया वाटरमेलन का ठीक है तो उसके अंदर यार वो उसने पिया है तो वो बोला यार भाई जूस का टेस्ट ही नहीं यार ऐसे लग रहा है कि पानी पानी भराया मैंने उसको ऐसे करके देखा ना नीचे गिरा के देखा भाई पानी था उसके अंदर उस बंदे के सामने उस जूस को बोला कि देख भाई इसको चेक कर इसमें पानी है यार ठीक है तो बहुत जूस के अंदर आपको पानी मिलेगा मैं एक ही एडवाइस दी मेरे दोस्त को आप लोगों को भी वही एडवाइस दूंगा कि जूस पीना कोई आपकी वो तो है नहीं कि जूस के बिना आप जिंदा रह नहीं सकते ठीक है एक ही बोलूंगा जूस मत पीना उससे बढ़िया उसको बोल देना साठ रुपए का जूस मत दे भाई साठ रुपए के फ्रूट्स दे दे क्योंकि साठ रुपए का बाउल भी देता है फ्रूट बाउल भी देता है वो तो फ्रूट का बाउल खा लेना वो ज्यादा सही है जूस से जूस के अंदर कुछ पता नहीं चलता है भाई कब पानी मिला दे कब क्या मिला दे पानी के अलावा तो कुछ नहीं मिलाएंगे ऐसे तो वो पूरी की पूरी चेकिंग होती है उधर ठीक है एलपीयू वाले सब चेक करते हैं बढ़िया एक नंबर बता रहा हूं ना एलपीयू में डिसिप्लिन है वो सबके लिए है भाई ठीक है तो उधर सारा का सारा चेकिंग वगैरह होती है बट पानी के लिए तो यार एलपीयू वाले भी कुछ नहीं कर सकते ना भाई वो आपके ही हाथ में है ठीक है क्योंकि मैं इसलिए ये आपको बोल रहा हूं क्योंकि भाई हर एक बंदा पैसे दे रहा है तो आप जो पैसा दे रहे हो उसका हक तो लो कम से कम पानी के पैसे थोड़ी दे रहे हैं यार पानी ही पीना होता तो यार जाके बिस्लरी की बोतल खरीद लेंगे उसका पानी पी लेंगे वाटर कूलर का ही पानी पी लेंगे समझ रहे हो तो जूस का पैसा दे रहे हो जूस ही पीना पानी मिल जाए तो बोल देना उसको जाके कि भैया पानी है इसके अंदर ठीक है या तो जूस दूसरा दे या फिर पैसे वापिस दे समझ गए बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा पचास लोगों की भीड़ खड़ी है अगर ऐसे ही सोचते रह जाओगे ना कि यार बोलूं या नहीं बोलूं दूसरे क्या सोचेंगे बिल्कुल मत सोचना दूसरे वही सोच रहे होंगे जो आपने सोचा होगा कि जूस में पानी है आप बोलोगे तो साथ में जो 25 लोग खड़े हैं तीस लोग खड़े हैं वो भी बोलेंगे कि सही बात है ठीक है आप नहीं बोलोगे ना तो कोई नहीं बोलने वाला समझ रहे हो मेरे को जो चीज सही नहीं लगती थी मैं वो चीज बोल देता था और मैं बोलता था तो वो चीज मुझे सही मिलती थी इस बात का हमेशा ध्यान रखना भाई ठीक है तो आपको सारी की सारी चीजें बता दी मैंने तो मैं मेरा तो यही आपको बता दिया कि मैं फूड कोर्ट में ही खाना खाता हूं मैस का फूड मैंने नहीं लिया क्योंकि आपको मैस का खाने का बता दिया है कि उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है आप रोज वो खाना नहीं खा पाओगे और बाकी जो बंदे मतलब जिनको यार कई कई बंदे ऐसे भी हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजिशन ठीक है थोड़ी कम है जिनका बजट कम है तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैस है भाई ठीक है बट मैथ की जिस तरीके से आपको चीजें बताई है जो जो डिसएडवांटेजेस बताए हैं वो भी ध्यान में रखना भाई और एक चीज और बता दें कि ये तो मैंने आपको स्पेशल थाली का सब कुछ बताया है हो सकता है आप अगर नॉर्मल थाली खाओ तो आपका खर्चा दो सौ रुपए के आसपास आए तो उसके हिसाब से आपका खर्चा कम आए बट मैं यही बोलूंगा कि भाई खाना कहीं पे भी खाओ पर खाना एकदम बढ़िया ही खाना यार कारण सबसे पहला स्वास्थ्य है अगर स्वास्थ्य सही रहेगा ना सब कुछ सही रहेगा भाई पैसा कमा रहे हैं अच्छा खाओगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है हमेशा क्वालिटी पे जाना क्वांटिटी भली कम मिल जाए बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ठीक है भली दस रुपए ज्यादा दे देना यार बट क्वालिटी की खाओ समझ रहे हो और मैं सिर्फ यार आप लोगों को ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं कि एकदम क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि क्या चीज कहां से कैसे लेनी है जो चीज मैंने फेस करिए प्रॉब्लम्स फेस करिए वो आपको नहीं करनी पड़े इसलिए बोल रहा हूं जैसा जैसा कहा है उस तरीके से ही करना जो चीज पसंद नहीं आए बोलना ठीक है तो आज का वीडियो यहां पे ही ओवर करता हूं गाइस आपका सबका इतना सारा टाइम ले लिया उसके लिए माफी चाहूंगा बट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो ठीक है अगर आपको लगा हो कि बंदे ने सही एडवाइस दी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ठीक है और आप लोगों को एक चीज और बताना चाह रहा हूं उन बंदों को यार जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भाई मैसेज करते हैं ठीक है भाई मैं माफी चाहूंगा यार कि यार मैं दो तीन दिन लेट हो जाता हूं उसका कारण यह कि यार मैं इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा कम यूज करता हूं बट अभी इंस्टाग्राम यूज करने लगा हूं मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग यूट्यूब के नीचे ही कमेंट कर दिया करो वहां मैं हरेक कमेंट रीड करता हूं हरेक बंदे का पूरा कोशिश करता हूं रिप्लाई देने का ठीक है इंस्टाग्राम पे कई के बंदों को ऐसे लग रहा होगा यार ये बंदा यार रिप्लाई नहीं दे रहा ठीक है दो तीन दिन बाद रिप्लाई दे रहा है तो भाई उसका कारण ये कि भाई इंस्टाग्राम में रोज नहीं चलाता यार ठीक है और फेसबुक की बात रही जहां तक भाई फेसबुक के अंदर में फेसबुक के ऊपर मैं हुई नहीं एक बार आईडी बनाई थी उसका पासवर्ड मैं भूल गया तो उसके लिए भी सॉरी यार उसका जैसी अकाउंट बनाऊंगा आपको भाई बता दूंगा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने पहले आ, अपना अकाउंट को क्या बोलते हैं यार पब्लिक नहीं था तो अब पब्लिक कर दिया है और ये रहा अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट तो इसके अंदर जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा है वो फॉलो कर लेना भाई ठीक है फोर्स नहीं कर रहा भाई किसी को मन करे तो करना नहीं करे तो मत करना भाई ठीक है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं कमेंट में बता देना किस पे वीडियो चाहिए उस पर ही बना देंगे तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक यू सो मच गाई